अपनी साइकिल की नंबर प्लेट मैंने कहाँ से बनवाई थी और आज नई नंबर प्लेट लगाने वाले अपनी साइकिल के अंदर। तो नई वाली नंबर प्लेट ये है और वो नंबर प्लेट जो है ये मैंने मनवाई थी भिवानी से, हरियाणा में है तो वहाँ से मैंने मनवाई थी क्योंकि वहाँ पे मेरा ननियाल है, वहाँ से मैं नंबर प्लेट मनवाता हूँ अपनी साइकिल की। तो जितनी भी नंबर प्लेट मनवाई है मैंने अपनी साइकिल की वहीं से बनवाई है। तो अब मैं ये नंबर प्लेट बनवा के लाया था तो ये आपको दिखा दूंगा मैं वीडियो में। और इसके अंदर होल कराने हैं और होल कराने चलते हैं अभी और लगाते हैं, और उसके बाद में आपको क्लिप दिखा दूंगा कैसे नंबर प्लेट बनी थी पूरी। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी साइकिल की नंबर प्लेट बनवाने के लिए। तो ये हम जा रहे हैं भिवानी में, एक गेट है विनोद गेट, और तो वहीं पे जा रहे हैं, विनोद गेट नहीं सॉरी दिनोद गेट, तो वहाँ पे जाएंगे और वहीं से साइकिल की नंबर प्लेट बनवाएंगे। तो अभी चलते हैं, पूरे रास्ता एकदम सीधा सीधा ही है यहीं से, और जिस शॉप से करवाएंगे वो हमें जानते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी नंबर प्लेट बनवाई है मेरी साइकिल की वहाँ से, जो कि दो नंबर प्लेट तो पहले ही टूट गई थी, और एक को मैंने आपको दो को मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है, और आज एक और नई नंबर प्लेट बनवाने जा रहे हैं। काफ़ी मस्त बनने वाली है नंबर प्लेट, एक नंबर। आपको भी अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए अपनी शॉप के ऊपर और यहाँ से अपन नंबर प्लेट बनवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कितनी नंबर प्लेट वगैरह और रैप वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो और बाइक का मॉडिफिकेशन होती है, तो अभी अपना यूट्यूब का लोगो सिलेक्ट हो रहा है, बन रहा है यूट्यूब का लोगो, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो यूट्यूब का लोगो बनवाया सबसे पहले, और यूट्यूब का लोगो बनने के बाद में अपन इन्हें अपना नाम वगैरह जो भी नाम लिखवाने हैं साइकिल के ऊपर वो बताएंगे पूरी डिज़ाइन में एकदम मस्त तरीके से। तो YouTube का लोगो बनने के बाद में इसमें कलर वगैरह सिलेक्ट करेंगे पूरे। तो ये नंबर प्लेट है, ये देख सकते हो अभी इसको कट किया है, और ब्लैक कलर का रैप लग रहा है इसमें नीचे, जो ये ब्लैक कलर की होती है ये लगा रहे हैं अपन अभी। और इसमें एक गलती होगी, मतलब ये एकदम चिपकाया नहीं पीछे की तरफ से, एकदम पास से काट दिया एकदम। तो अभी आप देख सकते हो पूरे एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है फटाफट काम, क्योंकि इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना DTV ये निकला हुआ है रैप में से, ये सारे नाम अपन ने करवा लिए हैं, और इसमें भी देख सकते हो DTV क्योंकि आउटलाइन रेड होगी उसकी इसीलिए, और यूट्यूब का लोगो भी है। और अब यूट्यूब का लोगो सेलो टेप की मदद से चिपका के ये हटा लिया और अपनी नंबर प्लेट के ऊपर लग रहा है, और ऊपर मैंने वाइट कलर का रैप लगवाया है। तो अब सीधी की तरफ लगवा दें, मतलब यूट्यूब का लोगो ऊपर रहेगा और इसके सामने लगेगा अपना नाम। तो अब यूट्यूब का लोगो ये देख सकते हो एकदम मस्त लग रहा है, एक नंबर का। तो अब यूट्यूब का लोगो अपना लग गया है, और यहाँ पे आएगा अपना नाम, चैनल का नेम आएगा यहाँ पे। तो अभी चैनल का नेम निकाल रहे हैं पूरा, देख सकते हो आप। तो अभी अपना YouTube का नेम भी लग गया है DTV व्लॉग्स, तो आप देख सकते हो इसमें मतलब ये रेड कलर का है, बाद में इसके ऊपर ब्लैक लगेगा तो मतलब ये रेड कलर की आउटलाइन बन जाएगी इसमें। तो अभी ब्लैक कलर का निकाल रहे हैं और इसमें अभी ब्लैक कलर का चिपकाएंगे। तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर वाला भी निकल रहा है, और पीछे आप देख सकते हो मतलब जो रस्सी वगैरह होती है, जो गार्ड होते हैं बाइक के तो उनके ऊपर लगती है वो रस्सी वगैरह, सब कुछ काम होता है इधर, आप आ सकते हो। तो अभी अपना DTV व्लॉग्स भी हो गया है ब्लैक कलर में, तो अभी इसको निकालते हैं सेलो टेप से, और फिर इसके जब जो रेड वाला DTV ब्लॉक है उसके ऊपर लगवाते हैं। तो अभी ये लग गया है, और अभी इसके ऊपर लगेगा ये देखना,
ये एकदम आराम से लगा देते हैं इनको, मतलब पूरा हाथ इनका जमा हुआ है इन चीज़ों के ऊपर करने में, फटाफट एकदम आराम से लगा देते हैं और हटा देते हैं। देखना कितना मस्त लगेगा ये, ये देख सकते हो एकदम मस्त दिख रहा है इसमें। तो अभी अपने पूरे नाम राजपूत भी लग गया है पूरा इसमें, और आधा हिंदी में स्टार्टिंग का वर्ड रा और बाकी जो है वो इंग्लिश में है। तो ये अपनी नंबर प्लेट यहाँ पे बन के हो जाती है पूरी तैयार, और इसमें बस थोड़ी इसके ऊपर ये पोलिश मारते एक तरीके से, जो मतलब इस पर पानी का ज़्यादा इफेक्ट ना हो, और वो पोलिश भी लग जाएगी इसके ऊपर। आप देख सकते हो क्या मस्त चमक रही है अपनी नंबर प्लेट, और अभी इसके ऊपर ताज और लगेगा एक, वो भी लगवा देते हैं। और इस नंबर प्लेट का प्राइस है वो मेरे को पड़ा बहुत एकदम सस्ते से सस्ता, मतलब इन्होंने फुल डिस्काउंट दिया मेरे को नंबर प्लेट। वैसे अगर आप उन्हें एक एक वर्ड का काउंट करें तो 10 रुपीज़ लेते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा रुपए हो रहे थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेरे से लिए 150 रुपीज़ नंबर प्लेट के, और पूरे जितना भी इन्होंने रैप वैप लगाया तो सारे ये के। अपनी साइकिल, और साइकिल में ये नंबर प्लेट है, और अब लगाएंगे ये वाली नंबर प्लेट ऐसे करके, तो काफी अच्छी लगेगी ये वाली नंबर प्लेट। और ये इस वाली नंबर प्लेट से ये वाली बड़ी है जो मेरे हाथ में है, तो इसके नट चेंज कराएंगे और ये वाली नंबर प्लेट उतरवा के ये वाली नंबर प्लेट लगाएंगे। पहले से निकालते हैं अपनी साइकिल को बाहर। लाइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, और अभी कराते हैं हमारी नंबर प्लेट के अंदर छेद और फिर लगवाते हैं अपनी साइकिल के अंदर। ऑल राइट गाइस, तो अभी अपनी साइकिल के अंदर हो रही है नंबर प्लेट फिक्स, और ऑलमोस्ट नंबर प्लेट फिक्स हो गया, मतलब इसके अंदर बस अब नट लगाने का काफी छोटा काम था और लग गए नट। गाइस, तो अभी अपन अपनी नंबर प्लेट को फिट करवा के आ गए हैं, आपने देखी होगी लास्ट वाली क्लिप। अब ये नंबर प्लेट है काफ़ी अच्छी लग रही है, मेरे को भी अच्छी लग रही है और आपको भी अच्छी लगी होगी। और अब इसमें दिक्कत वाली बात बताता हूँ, जब मैंने ये छेद करवाए तब इसका ये रैप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ है। इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत अगर अपन इसे साइड से देखते हैं तो ये रैप यहाँ से उतर रहा है, तो ये नंबर प्लेट मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, लेकिन थोड़े टाइम तक और चलाने के लिए, एक्स्ट्रा चलाने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ करके इसके आउटलाइन कर देते हैं दोनों तरफ। गाइस, तो आप देख सकते हो हमने नंबर प्लेट की आउटलाइन भी कर दी, और यहाँ पे हमने एक हॉर्न का जुगाड़ भी लगाया है। इसकी रिएक्शन वीडियो आपको आगे भी मिलेगी, और आप देख सकते हो, और आपको लाइट जला के भी दिखा देता हूँ, उसका रिफ्लेक्ट भी आता है, ये देखो पूरा रिफ्लेक्शन भी आता है इसका।